हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे क्लासेस। आज इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, जो नोबल है थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा हुआ। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहां पर हम लेकर आए हैं आपके लिए। मेयर ऑफ कास्टरब्रिज फेमस नोबल है थॉमस हार्डी का, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहां पर लेकर आए हैं। और इसी तरीके से हम लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या नोट्स हैं, जो भी हैं वो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं लिटरेचर की, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज थॉमस हार्डी बॉर्न? थॉमस हार्डी का जन्म कब हुआ था? इन 1840 में। ही डाइड इन, उनकी डेथ हुई थी 1928 में। हिज नोबल मेयर ऑफ कास्टरब्रिज पब्लिश्ड इन, ये इनका जो नोबल है मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, ये कब पब्लिश हुआ था? ये पब्लिश हुआ था 1886 में। नेक्स्ट है, व्हाट इज हेंशार्ड बाय ऑक्यूपेशन व्हेन ही सेल्स सुजेन एंड एलिजाबेथ? जब हेंशार्ड सुजेन और एलिजाबेथ को बेच देता है, उस समय उसका ऑक्यूपेशन क्या होता है? तो उस समय उसका ऑक्यूपेशन होता है, वो एक हे ट्रूसर होता है, जिसे हम घसियारा हिंदी में कहते हैं, हे ट्रूसर। तो यहां पर वो सुजेन और एलिजाबेथ को बेच देता है। सुजेन हेंशार्ड की वाइफ है और एलिजाबेथ उसकी बेटी है, तो वो अपनी वाइफ को और बेटी को बेच देता है। नेक्स्ट है, वेयर डज ही सेल हिज वाइफ एंड डॉटर? अपनी वाइफ और डॉटर को वो कहां बेचता है? वो वीडन प्रायर्स में बेचता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज फर्मिटी? फर्मिटी क्या है? फर्मिटी है अ ड्रिंक ऑफ बॉइल्ड मिल्क विथ स्पाइसेस इन इट। बॉइल्ड मिल्क की एक ड्रिंक है जिसमें स्पाइसेस भी एड होते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डज एन ओल्ड वुमेन ऑफ 50 सीक्रेटली डू? जो ओल्ड वुमेन थी 50 इयर्स की थी, वो सीक्रेटली क्या करती थी? सीक्रेटली वो सप्लाईज अनलाइसेंस्ड वाइन, अनलाइसेंस्ड वाइन को सप्लाई करती थी वो सीक्रेटली। हाउ डज शी सप्लाई इट? और वो उसे किस तरीके से सप्लाई करती थी? ऑन अ सिग्नल फ्रॉम द कस्टमर, कस्टमर के सिग्नल पर वो इसे सप्लाई करती थी, क्योंकि वो इसे सीक्रेटली सप्लाई करती थी और जिन कस्टमर्स को पता था तो वो एक सिग्नल करते थे, एक इशारा करते थे उसकी तरफ और वो उस वाइन को उन्हें प्रोवाइड करा देती थी। और उसके अलावा वो फर्मिटी जो मिल्क से बनी होती है ड्रिंक है, वो वहां पर प्रोवाइड कराती थी। फॉर हाउ मच डज हेंशार्ड सेल हिज वाइफ एंड डॉटर? हेंशार्ड अपनी वाइफ और डॉटर को कितने में बेच देता है? वो 5 शिलिंग्स में बेच देता है। नेक्स्ट है, हु बाइज सुजेन एंड एलिजाबेथ? सुजेन और एलिजाबेथ को कौन खरीदता है? न्यूसन खरीदता है, जो कि एक सेलर है। नेक्स्ट, व्हाट डज सुजेन थ्रो अपॉन हेंशार्ड? सुजेन हेंशार्ड के ऊपर क्या फेंक देती है? वो अपनी वेडिंग रिंग को फेंक देती है, हर वेडिंग रिंग, वो अपनी वेडिंग रिंग को उसके ऊपर फेंक देती है। नेक्स्ट है, व्हाट डज ही फील व्हेन ही वेक्स अप नेक्स्ट मॉर्निंग? नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसे होश आता है, जब वो जागता है, तो वो कैसा फील करता है? ही फील्स मच सॉरी फॉर व्हाट ही हैज डन इन हिज ओवर ड्रंकननेस। तो जो उसने अपनी ओवर ड्रंकननेस पे जो कुछ किया था, उसके ऊपर वो बहुत ही सॉरी फील करता है, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता क्योंकि न्यूसन को उसने अपनी वाइफ और बेटी बेच दी और वो उन्हें लेकर चला गया। नेक्स्ट है, फॉर व्हाट ड्यूरेशन डज हेंशार्ड स्वेयर नॉट टू टच वाइन? हेंशार्ड स्वेयर कसम खाता है कि वो कितने समय तक वाइन नहीं छुएगा। तो वो कसम खाता है फॉर 21 इयर्स, कि 21 साल तक वो वाइन को छुएगा भी नहीं। नेक्स्ट है, वेयर डज ही टेक एन ओथ नॉट टू ड्रिंक वाइन? और ये ओथ, ये कसम वो कहाँ खाता है कि वो वाइन नहीं लेगा? ये खाता है वो इन अ चर्च, एक चर्च में, यानी कि जब वो सुबह जागता है, उसको होश आता है, तब वो सीधे चर्च जाता है और वहां पर जाकर वो कसम खाता है कि वो अब 21 इयर्स तक वाइन को हाथ भी नहीं लगाएगा। नेक्स्ट है, व्हेन हेंशार्ड इज फेल्ड इन हिज सर्च फॉर हिज वाइफ एंड डॉटर, वेयर डिड ही गो? जब हेंशार्ड फेल हो जाता है अपनी वाइफ और डॉटर की सर्च करता है, उन्हें ढूंढने जाता है, लेकिन वो फेल हो जाता है, वो उन्हें नहीं ढूंढ पाता है, उसके बाद वो कहां चला जाता है? टू कास्टरब्रिज टाउन, वो कास्टरब्रिज टाउन चला जाता है एंड गेट्स एस्टेब्लिश्ड देयर, और वहीं पर वो एस्टेब्लिश हो जाता है। नेक्स्ट डे, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स डज सुजेन कम बैक इन सर्च फॉर हेंशार्ड?
सुजेन अब हेनशार्ड की तलाश में आती है, हेनशार्ड को ढूंढने आती है, तो वो कितने साल बाद लौट कर आती है? वो 18 ईयर्स बाद आती है। नेक्स्ट है, व्हाट डज सुजेन टेल एलिजाबेथ अबाउट हेनशार्ड? सुजेन हेनशार्ड के बारे में एलिजाबेथ को क्या बताती है? वो बताती है कि दैट ही इज हर रिलेटिव, कि वो उसका रिलेटिव है। वो उसे सच्चाई नहीं बताती है कि हेनशार्ड उसका हस्बैंड है और किस तरीके से हेनशार्ड ने सुजैन को और उसकी बेटी एलिजाबेथ को बेच दिया था। ये सच्चाई उसको एलिजाबेथ को नहीं बताती है। वो उसे ये बता देती है बस कि हेनशार्ड उसका रिलेटिव है, वो उसे जानती है। नेक्स्ट है, टू हुम सुजैन अप्रोचेस? सुजैन किसके पास पहुंचती है हेनशार्ड को ढूंढने के लिए? टू द ओल्ड वुमेन हु सप्लाइड रम टू हेनशार्ड विद फॉर्मिटी। उसी ओल्ड वुमेन के पास पहुंचती है जिसने हेनशार्ड को रम सप्लाई की थी फॉर्मिटी के साथ। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ओल्ड वुमेन? उस ओल्ड वुमेन का नेम क्या है? मिसेस गुड एनफ। ओल्ड वुमेन का नेम है मिसेस गुड एनफ। नेक्स्ट है, व्हाट डज द ओल्ड वुमेन इन्फॉर्म सुजैन? ओल्ड वुमेन सुजैन को क्या इन्फॉर्म करती है, क्या बताती है? That Henshard came the preceding year. Henshard preceding year यानी कि एक साल पहले आया था and asked her to give his address to any woman coming to seek him. और उसे कहा था, ये address दिया था और उसे ये कहा था कि अगर कोई भी woman उसे ढूंढने के लिए आए तो ये address उस woman को दे दिया जाए। Next है, what did Newson take Susan? Sorry, where did Newson take Susan after buying her? न्यूसन जब सुजैन को खरीद लेता है, उसके बाद खरीदने के बाद वो उसे कहाँ ले जाता है? टू कैनेडा। वो कैनेडा ले जाता है, वेयर दे लिव्ड टिल हर डॉटर इज 12 ईयर ओल्ड। और जहां पर वो रहते हैं कितने समय के लिए? जब तक उनकी डॉटर 12 ईयर्स की नहीं हो जाती, यानी जब तक उसकी डॉटर 12 ईयर्स की हो जाती है तब तक वो वहां पर रहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाई डज न्यूसन लीव सुजैन एंड गो अवे फॉर एवर? न्यूसन सुजैन को छोड़कर क्यों चला जाता है हमेशा के लिए? बिकॉज ही वॉचेज हर अनहैप्पी स्टेट ऑफ माइंड। क्योंकि वो जब देखता है कि सुजैन खुश नहीं है उसके साथ में, तो वो खुद भी दुखी होता है और इस वजह से वो सुजैन को छोड़कर चला जाता है। नेक्स्ट है, व्हेन सुजैन इंक्वायर्स अबाउट न्यूसन, और जब सुजैन न्यूसन के बारे में पता करती है, द फिशरमैन टेल हर दैट, तो फिशरमैन उसे बताते हैं कि ही इज ड्रोन, वो डूब गया है। नेक्स्ट है, When does Susan reach Casterbridge? Susan Casterbridge कब पहुंचती है? On a Friday evening. Friday evening में पहुंचती है और जो टाइम है वो सितंबर का है, हाफ पास्ट हो चुका है सितंबर। नेक्स्ट है, Why does Susan does not take bread? Susan वो ब्रेड क्यों नहीं लेती है? जो वहां पर ब्रेड जो बिक रहा होता है वो उसे उस ब्रेड को क्यों नहीं खरीदती है? क्योंकि एज इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम रॉटन वीट, क्योंकि वो रॉटन वीट से बना हुआ होता है। नेक्स्ट, हु इज द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज? कास्टरब्रिज का मेयर कौन है इस समय? वो है माइकल हेनशार्ड, यानी कि सुजैन का हस्बैंड। नेक्स्ट है, व्हाट बिजनेस डज हेनशार्ड डू नाउ? हेनशार्ड अब क्या बिजनेस करता है? ही इज नाउ अ ग्रेट कॉर्न डीलर। अब वो एक बहुत ही बड़ा कॉर्न डीलर बन गया है। नेक्स्ट, Who sold the rotten wheat to Miller's bakeries? Miller's की bakeries में rotten wheat कौन supply करता है? Henshard करता है। और Henshard भी जो wheat खरीदता है वो rotten wheat ही खरीद लेता है, उसको ध्यान नहीं देता वो, यानी कि जो वो उसने अपनी manager जो रखा हुआ है वो उतना अच्छा नहीं है और वो इस चीज पर ध्यान नहीं देता है। इस वजह से Henshard का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, वो rotten wheat खरीद लेता है और जो मिलर बेकरीज होती हैं उन्हें भी वो इसी तरीके से सप्लाई कर देता है, जिस वजह से जो ब्रेड बन रही है वो बेकार बन रही है और लोग कंप्लेंट कर रहे हैं उसके बारे में। नेक्स्ट है, वेयर डज डोनाल्ड फारफ्रे ऑफ स्कॉटलैंड गो टू मेक नाइट हॉल्ट? स्कॉटलैंड का जो डोनाल्ड फारफ्रे है वो अपनी नाइट हॉल्ट कहाँ पर करने जा रहा है, कहाँ पर रुकने जा रहा है वो नाइट में? तो वो थ्री मैरिनर्स में रुकने जा रहा है। थ्री मैरिनर्स एक होटल है। हु सेंड्स अ चिट टू हेनशार्ड थ्रू अ वेटर? वेटर के थ्रू हेनशार्ड को चिट कौन भेजता है? डोनाल्ड फारफ्रे भेजता है। वेयर डज सुजैन एंड एलिजाबेथ मेक नाइट हॉल्ट? सुजैन एंड एलिजाबेथ कहाँ नाइट हॉल्ट करती हैं, कहाँ स्टे करती हैं वो नाइट में?
एट थ्री मैरिनर्स, वो भी थ्री मैरिनर्स में करती हैं। नेक्स्ट, टू इकोनोमाइज एक्सपेंसेस, व्हाट डज एलिजाबेथ डू? और एक्सपेंसेस को इकोनोमाइज करने के लिए एलिजाबेथ क्या करती है? एक्सेप्ट पार्ट टाइम जॉब ऑफ अ वेट्रेस इन द होटल, होटल में वो वेट्रेस की पार्ट टाइम जॉब को एक्सेप्ट कर लेती है। नेक्स्ट है, हु इज द लैंड लेडी ऑफ द थ्री मैरिनर्स, थ्री मैरिनर्स की लैंड लेडी कौन है? मिसेस स्टैनिज। नेक्स्ट, टू हुम डज मिसेस स्टैनिज आस्क टू टेक सपर टू फारफ्रे, मिसेस स्टैनिज किससे कहती हैं कि फारफ्रे के लिए सपर लेकर जाओ? वो एलिजाबेथ से कहती हैं, जो कि वहां पर वेट्रेस का काम कर रही है। नेक्स्ट है, हु टेल्स हेंशार्ड हाउ टू टर्न हिज बैड वीट इनटू गुड एडिबल कंडीशन? हेंशार्ड को ये कौन बताता है कि वो अपने बैड वीट को अच्छे एडिबल कंडीशन में कन्वर्ट कर सकता है, यानी खाने योग्य बना सकता है उस बैड वीट को? ये बताता है फारफ्रे। नेक्स्ट है, हेंशार्ड इज मच प्लीज विद फारफ्रे, हेंशार्ड फारफ्रे से बहुत ही प्लीज्ड हो जाता है एंड इंसिस्ट ऑन हिम टू बिकम हिज, और उसे क्या इंसिस्ट करता है, जोर देता है कि वो उसका क्या बन जाए, उसका कॉन्ड मैनेजर बन जाए। यानी कि जब फारफ्रे उसको एडवाइस देता है, सलाह देता है कि वो किस तरीके से उसके रॉटन वीट को एडिबल बना सकता है, खाने योग्य बना सकता है, इस तरीके से हेंशार्ड उससे खुश हो जाता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसका कॉन्ड मैनेजर बन जाए। नेक्स्ट है, When there is gathering in the big sitting room, who sings a song? Big sitting room में gathering है, mayor of Casterbridge जो है, यानी कि हेंशार्ड है, उसने gathering करवाई है, जहाँ पर वो सबके लिए उसने food की व्यवस्था की है, drink की व्यवस्था की है, तो जहाँ gathering है बड़े से sitting room में, वहाँ पर song कौन गाता है, गाना कौन गाता है? तो वो फारफ्रे है जो गाना गाता है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ सॉन्ग डज ही सिंग, वो किस तरीके का गाना गाता है? वो एक नेटिव सॉन्ग गाता है। नेक्स्ट, हु इज क्रिस्टोफर कोने, क्रिस्टोफर कोने कौन है? अ रेगुलर विजिटर ऑफ द होटल, होटल का वो एक रेगुलर विजिटर है। नेक्स्ट, व्हाट इज फारफ्रेस फ्यूचर प्लान, फारफ्रे का फ्यूचर प्लान क्या है? टू गो टू अमेरिका फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट्स, वो अमेरिका जाना चाहता है अपना अच्छा सा फ्यूचर बनाने के लिए, जिससे कि वो आगे अपना जो फ्यूचर है वो अच्छे से प्लान कर सके, फ्यूचर में अपना कुछ अच्छा सा बन सके, इस वजह से वो अमेरिका जाना जाता है। नेक्स्ट है, एलिजाबेथ इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स, एलिजाबेथ अट्रैक्ट होती है किसके प्रति? फारफ्रे के प्रति। नेक्स्ट है, व्हाई डज हेंशार्ड टेक सच अ स्ट्रॉन्ग एंड इमीडिएट लाइकिंग टू डोनाल्ड फारफ्रे, हेंशार्ड डोनाल्ड फारफ्रे से इतना ज्यादा अटैच क्यों हो जाता है, इतनी ज्यादा लाइकिंग उसे क्यों करने लगता है, क्यों उसे इतना पसंद करने लगता है? फारफ्रे शेयर्स विद हेंशार्ड अ टेक्निक दैट मेक्स रिंड ग्रेन यूजेबल, क्योंकि फारफ्रे हेंशार्ड से एक टेक्निक शेयर करता है जिस टेक्निक की वजह से रिंड ग्रेन को यूजेबल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है, हु हैड हेंशार्ड अरेंज टू हायर एज हिज बिजनेस मैनेजर बिफोर मीटिंग फारफ्रे, फारफ्रे से मिलने से पहले हेंशार्ड किसे अपना बिजनेस मैनेजर बनाना चाहता था? तो वो था जोशुआ जो। नेक्स्ट, हु गिव्स हेंशार्ड द मैसेज दैट सुजैन एंड एलिजाबेथ आर आल्सो इन द टाउन, हेंशार्ड को ये मैसेज कौन देता है कि सुजैन और एलिजाबेथ भी उसी टाउन में हैं? ये मैसेज एलिजाबेथ देती है, जो कि सुजैन के द्वारा एलिजाबेथ को भेजा जाता है ये मैसेज देने के लिए, कि जाके हेंशार्ड को ये मैसेज दे दे कि सुजैन और एलिजाबेथ उसी टाउन में हैं। वो ये इसलिए करती है कि अगर वो कोई रिएक्ट करता है तो वो वहां रुकेंगी, और अगर वो इग्नोर कर देता है तो वो वहां से चली जाएंगी। नेक्स्ट डे, व्हाट डज हेंशार्ड डू आफ्टर नोइंग इट, और ये जानने के बाद हेंशार्ड ने क्या किया कि सुजैन और एलिजाबेथ भी उसी टाउन में है? तो ही राइट्स अ लेटर फॉर सुजैन, वो सुजैन के लिए लेटर लिखता है, टू मीट हर ऑल अलोन, उसे अकेले मिलने के लिए उसे लेटर लिखता है। नेक्स्ट, Where does Henshard tell to meet her? और Henshard उसे मिलने के लिए कहाँ बुलाता है? At the ring on Boardmouth Road at 8 p.m. Next, how much money does Henshard keep inside the letter to Suzanne? और जो letter Henshard Suzanne के लिए लिखता है, उस letter के साथ में, उस letter में वो money भी रखता है, तो वो कितनी money रखता है? 5 pounds 5 shillings. Next,
हु हेल्प सुजैन एज अ ग्रूम्समैन, ग्रूम्समैन के रूप में सुजैन की हेल्प कौन करता है? फारफ्रे, यानी कि जब हैंशार्ड तैयार हो जाता है फिर से सुजैन से शादी करने के लिए, तो उसके बाद जब इन दोनों की शादी होती है उस समय सुजैन का ग्रूम्समैन कौन बनता है? वो फारफ्रे बनता है। नेक्स्ट है, वंस लुकिंग एट एलिजाबेथ्स ब्राइट ब्राउन हेयर, और एक बार क्या हुआ जब हेंशार्ड ने एलिजाबेथ के ब्राइट ब्राउन हेयर देखे तो व्हाट डज हेंशार्ड रिमार्क, तो हेंशार्ड ने क्या रिमार्क किया? दैट सुजेन एक्सपेक्टेड हर डॉटर्स हेयर टू बिकम डार्क, कि सुजेन ने तो ये एक्सपेक्ट किया था कि उसकी डॉटर के हेयर डार्क हो जाएंगे, यानी कि जब हेंशार्ड ने सुजेन और एलिजाबेथ को बेचा नहीं था, उससे पहले जब वो रहते थे उस समय एलिजाबेथ बहुत छोटी सी थी, तो उसके ब्राउन सॉरी उसके हेयर के रूप में रिमार्क किया गया था। तो सुजेन ने ये कहा था कि उसके जो हेयर हैं एलिजाबेथ के वो डार्क हो जाएंगे। तो अब जब वो एलिजाबेथ को देखता है, एलिजाबेथ अब बड़ी हो चुकी है, जब वो एलिजाबेथ को देखता है उसने एलिजाबेथ के ब्राउन हेयर देखे, तो उसने रिमार्क किया कि सुजेन ने तो ये कहा था कि उसके हेयर डार्क हो जाएंगे। वॉट डज एलिजाबेथ वॉन्ट टू परचेज बाई सेलिंग हर ब्यूटिफुल ड्रेसेस, एलिजाबेथ अपनी ब्यूटिफुल ड्रेसेस को सेल करने के यानी कि बेचने के बाद वो क्या खरीदना चाहती है, यानी कि एलिजाबेथ क्या खरीदना चाहती है कि वो अपनी ब्यूटीफुल ड्रेसेस को बेच देना चाहती है, उसे अपनी ब्यूटीफुल ड्रेसेस पसंद नहीं है और वो उन्हें बेचकर अपने लिए क्या खरीदना चाहती है, वो अपने लिए बुक्स खरीदना चाहती है टू गेट मोर लर्न एंड कल्चर। क्योंकि अब क्या हुआ जब वो सुजैन और हेंशार्ड की शादी हो गई है, तो अब क्योंकि अब उसने काफी अच्छा कर लिया है, अपना एक कॉर्न डीलर बन गया है, अच्छा मेयर बन गया है, तो पैसा भी है, रिच हो गया है अब हेंशार्ड। तो अब जब एलिजाबेथ बेटी है तो अब एलिजाबेथ को भी ठीक से रहना होता है, काफी ब्यूटीफुल ड्रेसेस हैं उसके पास, जब वो ड्रेसेस पहनकर बाहर निकलती है तो सब उसके बारे में जब ये बोलते हैं कि वो बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर है, लेकिन एलिजाबेथ को ये सब पसंद नहीं है क्योंकि वो शुरू से ही बहुत ही सिंपल रहने वाली है और उसे सिंपल रहना ही पसंद है, तो वो चाहती है कि अपनी सारी ब्यूटीफुल ड्रेसेस बेचकर वो अपने लिए बुक्स खरीद ले। नेक्स्ट है, हु इज एबल विट्टल, एबल विट्टल कौन है? अ वर्कर है, एक वर्कर है हेंशार्ड के फार्म में। व्हाई वाज एबल पनिश्ड बाय हेंशार्ड, हेंशार्ड एबल को क्यों पनिश करता है? फॉर बीइंग हैबिचुअली लेट, क्योंकि एबल हमेशा लेट आता था, उसकी हैबिट पड़ गई थी लेट आने के लिए, जिसकी वजह से हेंशार्ड उसको पनिश करता है। हाउ डज हेंशार्ड डील विद एबल विटल फेलियर टू रिपोर्ट टू वर्क ऑन टाइम, यानी कि जब एबल विटल टाइम से नहीं आता है तो हेंशार्ड उसे किस तरीके से डील करता है? ही ह्यूमिलिएट्स एबल, वो एबल को ह्यूमिलिएट करता है बाई सेंडिंग हिम इन टू द फील्ड, उसे फील्ड में भेजता है विदाउट हिज पैंट्स, बिना पैंट्स के उसे फील्ड में भेज देता है, इस तरीके से उसे ह्यूमिलिएट करता है, पनिश करता है। नेक्स्ट, व्हाई डज फारफ्रे वेयर हेंशार्ड सम रिच क्लॉथ, हेंशार्ड से रिच क्लॉथ क्यों मांगता है फारफ्रे? टू बी यूटिलाइज्ड इन केस रेन्स अकर, वो इसलिए मांगता है कि अगर बारिश हो गई तो वो क्लॉथ से कुछ सेफ्टी कर पाएगा, यानी कि ये क्या ओकेजन था, ये हेंशार्ड ने टाउन जो पीपल हैं उनके लिए रिजॉइसिंग, उनकी रिजॉइसिंग के लिए एक तरीके से फियर के टाइप से लगाया हुआ था, जिससे कि एंटरटेनमेंट हो, रिजॉइस हो, हर तरीके का एंटरटेनमेंट वहां पर उसने रखा हुआ था टाउन पीपल के लिए, काफी व्यवस्थाएं उसने कर रखी थी सबके लिए, जिससे कि टाउन पीपल हर तरीके से एंटरटेनमेंट कर सके। लेकिन क्या था कि उसने बारिश के ऊपर ध्यान नहीं दिया, मौसम के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि अगर बारिश हो गई तो क्या होगा, सारा एंटरटेनमेंट भी खराब हो जाएगा, तो उसने इस तरीके से बारिश के ऊपर ध्यान दिया नहीं। लेकिन फारफ्रे ने क्या किया, फारफ्रे ने अपना अलग टेंट लगाया, अलग एंटरटेनमेंट की व्यवस्था की, और रिच क्लॉथ भी हेंशार्ड से मांगे थे इसी वजह से उसने, तो अलग उसने व्यवस्था कर रखी थी जिससे कि रेन अगर हो जाए, बारिश अगर हो जाए तो उसे वो सेफ्टी कर सके, उसने टेंट लगाया हुआ था। तो इस पर हेंशार्ड ने ध्यान नहीं दिया
और थोड़ी देर बाद क्या होता है, बारिश शुरू हो जाती है और जो लोग होते हैं जाड़ के कैंप में होते हैं वो सब कहाँ चले जाते हैं, वो फारफरे के कैंप में चले जाते हैं, क्योंकि फारफरे के कैंप में टेंट लगा हुआ है तो वो लोग बारिश से बच सकते हैं। और हैंशार्ड ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जबकि हैंशार्ड का कैंप फ्री था, बिना फीस का था, और फारफरे ने फीस लगा दी थी, फीस ले रहा था फारफरे, फिर भी लोग फारफरे के कैंप में चले गए। यहाँ पर फारफरे ने अलग कैंप इसलिए लगाया था क्योंकि थोड़ी सी हैंशार्ड के साथ में उनकी कहा सुनी हो गई थी, थोड़ी सी क्यों हो गई थी, एवल विटल के बारे में भी, यानी कि जब हैंशार्ड ने एवल विटल को इस तरीके से पनिश किया था कि बिना पैंट के उसे फील्ड में भेज दिया था, तो जो फारफ्री है उसने एबल से कहा था कि ठीक से अच्छे ठीक ढंग से कपड़े पहन कर आओ, तो इस बात पर थोड़ी सी हैंशार्ड के साथ में उसकी कहा सुनी हो गई थी। और फारफ्री को ये सब पसंद नहीं आया, उसको उसे हैंशार्ड का इस तरीके का नेचर पसंद नहीं आया था। नेक्स्ट है, हाउ डज द डे ऑफ पब्लिक रिजॉइसिंग दैट हैंशार्ड अरेंजेस थॉर्टेड, जो हैंशार्ड ने अरेंज किया था डे ऑफ पब्लिक रिजॉइसिंग का, वो किस तरीके से थॉर्ट हो जाता है, इट रेन्स, बारिश हो जाती है। नेक्स्ट, व्हाई डज सुजैन इंसिस्ट ऑन कीपिंग हिडन द फैक्ट दैट एलिजाबेथ जेन डज कोर्स इन एक्सचेंज फॉर अ रूम एट द इन। सुजेन इस बात पर जोर क्यों देती है कि एलिजाबेथ इस बात को छिपाए रखे कि वो वहां पर कोर्स यानी कि काम कर रही है उस इन में जहां पर वो रहते हैं, यानी कि रूम लिया हुआ है रहने के लिए, और एलिजाबेथ वहां पर काम कर रही है एक्सपेंसेस को इकोनोमाइज करने के लिए, और सुजेन उस पर जोर देती है कि ये बात को छिपाए रखा जाए। तो ऐसा क्यों करती है, शी फियर्स दैट, क्योंकि उसे ऐसा डर लगता है कि न्यूज ऑफ हर डॉटर्स ड्यूटीज विल रीच द मेयर एंड ब्रिंग शेम ऑन हिम, कि अगर मेयर के पास एक खबर पहुंच गई उसकी डॉटर की ड्यूटीज के बारे में कि वहाँ वेटरेस के रूप में काम करती है, तो ये उसके लिए शेम की बात होगी, उसे पसंद नहीं आएगा। ये बात है जब उन दोनों की शादी नहीं हुई होती है दोबारा। नेक्स्ट, वाई डज हेंशार्ड एग्री टू री मैरी सुजेन रेदर देन परस्यू हिज अफेयर विद लुसेटा। हेंशार्ड सुजैन से रीमैरी करने के लिए एग्री हो जाता है बजाय लुसेटा के साथ अपने अफेयर को परस्यू करने के, यानी कि जब सुजैन और हेंशार्ड जब अलग हो जाते हैं तो बाद में क्या होता है, हेंशार्ड बाहर जाता है, बाहर यानी कि जर्सी प्ले जो जगह है वहां जाता है, और वहां पर वो लुसेटा से मिलता है, वो बीमार हो जाता है, लुसेटा उसकी देखभाल करती है, इस तरीके से वो दोनों एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उन दोनों का जो अफेयर चल रहा होता है, उसके बाद क्या होता है, जब वो वापस आ जाता है हेंशार्ड और यहाँ सुजैन भी मिल जाती है, और वो सुजैन से शादी कर लेता है बजाय लुसेटा के साथ अपनी अफेयर को परस्यू करने के लिए। ऐसा हेंशार्ड क्यों करता है, ही बिलीव्स दैट, वो ऐसा बिलीव करता है कि ऑनरिंग हिज ड्यूटीज टू हिज फर्स्ट वाइफ इज द बेस्ट थिंग टू डू, कि अपनी फर्स्ट वाइफ के प्रति जो उसकी ड्यूटीज हैं उसे ऑनर करने के लिए, मतलब उसके प्रति जो ड्यूटीज हैं उसका ऑनर किया जाए, यही बेस्ट थिंग है, जो उसकी फर्स्ट वाइफ है उसके प्रति जो उसकी ड्यूटीज हैं उन्हें वो पूरा करे, ये बेस्ट थिंग है, बजाय लुसेटा के साथ अपना अफेयर चलाने की। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ लुसेटा टेम्पलमैन्स एस्टेट, लुसेटा टेम्पलमैन की एस्टेट का नेम क्या है, हाई प्लेस हॉल। नेक्स्ट, वेयर डिड लुसेटा लिव बिफोर मूविंग टू कास्टरब्रिज, कास्टरब्रिज पहुंचने से पहले लुसेटा कहाँ रहती है, जर्सी में। नेक्स्ट, व्हाई डज हेंशार्ड टेल फारफरे दैट ही डज नॉट वॉन्ट हिम एज अ मैनेजर एनी लॉन्गर, हेंशार्ड फारफरे से ऐसा क्यों कहता है कि अब वो उसे अपना मैनेजर नहीं रखना चाहता है, तो हेंशार्ड बिकम्स फ्रस्ट्रेटेड, हेंशार्ड फ्रस्ट्रेट हो जाता है व्हेन द टाउन पीपल लीव हेंशार्ड कैंप एंड शिफ्ट ओवर टू फारफ्रे, जब टाउन पीपल हेंशार्ड के कैंप से चले जाती हैं और फारफ्रे के कैंप में शिफ्ट हो जाते हैं, तो इस बात पर हेंशार्ड फारफ्रे से नाराज हो जाता है और उसे कहता है कि वो अपना मैनेजर उसे नहीं रखना चाहता। नेक्स्ट है, हाउ डज फारफ्रे टेक इट, और इस बात को फारफ्रे किस रूप में लेता है, ही टेक्स इट सीरियसली, वो इसे सीरियसली ले लेता है, एंड इमीडिएटली लीव सेम, और तुरंत उसे छोड़ देता है, एंड परचेज अ कॉर्न एंड हे बिजनेस, और अपना कॉर्न और हे बिजनेस अलग परचेज कर लेता है। नेक्स्ट है, व्हाट डज द जर्सी गर्ल वॉन्ट फ्रॉम हेंशार्ड,
जो जर्सी गर्ल है यानी लुसेटा है वो हैंसार्ड से क्या चाहती है, टू गेट बैक हर लेटर्स रिटन टू हिम, कि जो उसने लेटर्स लिखे थे हैंसार्ड के लिए वो वापस कर दे. नेक्स्ट, हु राइट्स द एनोनिमस नोट्स टू एलिजाबेथ एंड फारफ्रेड टू ब्रिंग देम क्लोजर. एलिजाबेथ और फारफ्रे को क्लोज लाने के लिए उन्हें एनोनिमस नोट्स कौन लिखता है? दोनों के पास एक लेटर पहुंचता है जिसमें लिखा होता है कि जो जगह होती है वहां पर उन दोनों को बुलाया जाता है. तो इस तरीके से ये जो नोट्स उन दोनों को भेजे जाते हैं कौन भेजता है? ये सुजैन भेजती है. शी डिस्क्लोजेज इट ड्यूरिंग हर इलनेस. और इस बात का खुलासा वो कब करती है? जब वो बीमार हो जाती है, अपने डेथ बेड पर होती है, उस समय वो इस बात का खुलासा करती है. नेक्स्ट है, इन अ लेटर रिटन ऑन हर डेथ बेड व्हाट डज सुजैन कन्फेस टू हर हस्बैंड. जब सुजैन अपने डेथ बेड पर होती है तो वो लेटर लिखती है एक, और उस लेटर में वो अपने हस्बैंड से क्या कन्फेस करती है? एलिजाबेथ जेन इज नॉट हर डॉटर. एलिजाबेथ जेन उसकी डॉटर नहीं है. इज नॉट हिज डॉटर. एलिजाबेथ जेन उसकी यानी कि हैंसार्ड की डॉटर नहीं है, बट रेदर द चाइल्ड ऑफ द सेलर टू हुम ही सोल्ड देम. बल्कि वो उस सेलर की चाइल्ड है जिसे उसने बेच दिया था. यानी कि न्यूसन को बेच दिया था. उसने अपनी वाइफ और एलिजाबेथ अपनी बेटी को बेच दिया था. न्यूसन लेकर चला गया था उन्हें. तो जो एलिजाबेथ इस समय है वो एलिजाबेथ नहीं है जो हैंसार्ड की बेटी थी. ये एलिजाबेथ जेन जो है ये न्यूसन की बेटी है, न्यूसन की और सुजैन की बेटी है. यानी कि और जो एलिजाबेथ हैंसार्ड की बेटी थी वो उसकी डेथ हो गई थी. वो लगभग शायद 3 महीने बाद ही उसकी डेथ हो गई थी जब न्यूसन लेकर चला गया था उसके बाद. और जो अभी एलिजाबेथ जेन है ये न्यूसन की बेटी है. ये कन्फेस करती है वो अपने हस्बैंड से यानी हैंसार्ड से जब वो सुजैन डेथ बेड पर होती है, उस समय ये लेटर लिखती है वो. नेक्स्ट है, व्हाट इंस्क्रिप्शन डज सुजैन राइट ऑन द कवरिंग एनवलप. और उस लेटर को जब वो कवर करती है एनवलप में तो उसके ऊपर वो क्या इंस्क्रिप्शन लिखती है? उस पर लिखती है, मिस्टर माइकल हैंसार्ड नॉट टू बी ओपन टिल एलिजाबेथ वेडिंग डे. इसको ना खोला जाए तब तक के लिए, कब तक? एलिजाबेथ की वेडिंग डे तक इस लेटर को ना खोला जाए. नेक्स्ट है, आफ्टर पासिंग 3 वीक्स ऑफ सुजैन्स डेथ. सुजैन की डेथ के बाद जब 3 वीक्स पास हो जाते हैं, व्हाट फॉर डज हैंसार्ड आस्क एलिजाबेथ टू ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट. तो हैंसार्ड एलिजाबेथ से किस चीज का एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करने के लिए कहता है? तो वो ड्राफ्ट करने के लिए कहता है, फॉर कास्टरब्रिज क्रोनिसिस. कास्टरब्रिज क्रोनिसिस के लिए फॉर हैंगिंग हर नेम एज एलिजाबेथ जेन हैंसार्ड फ्रॉम एलिजाबेथ जेन न्यूसन. कि उसका जो नाम है एलिजाबेथ जेन न्यूसन, इस नाम के बजाय उसका नाम क्या कराना है? एलिजाबेथ जेन हैंसार्ड कराना है. क्योंकि इस समय उसको नहीं पता होता है कि ये जो एलिजाबेथ है ये उसकी बेटी नहीं है बल्कि न्यूसन की बेटी है. वो तो यही समझ रहा है कि ये उसी की बेटी है, हैंसार्ड की ही बेटी है, लेकिन नाम के आगे तो न्यूसन लगा है क्योंकि न्यूसन लेकर चला गया था. तो नाम के आगे तो उसके न्यूसन लगा हुआ है, लेकिन अब वो ये चाहता है कि वो अपनी बेटी को अपने ही नाम से रखे, इसलिए वो न्यूसन का नाम हटाकर अपना नाम रखवाना चाहता है. नेक्स्ट है, इन सर्चिंग फॉर ओल्ड डॉक्यूमेंट्स हैंसार्ड कम्स अक्रॉस सुजैन सील्ड एनवेलप. ही टियर्स इट ओपन एंड रीड्स दैट. जब हैंसार्ड कुछ ओल्ड डॉक्यूमेंट्स को सर्च कर रहा होता है तो उस समय उसके हाथ में सुजैन का जो सील्ड एनवेलप है वो उसके हाथ लग जाता है, और उसे वो बिना पढ़े ही, यानी कि उसको ऊपर जो इंस्क्रिप्शन लिखा होता है नॉट टू बी ओपन टिल एलिजाबेथ वेडिंग डे, वो उसे पढ़ता नहीं है, बिना पढ़े ही वो उसको टियर ओपन कर देता है और लेटर को पढ़ने लगता है. और तो उस पर क्या पढ़ता है, क्या लिखा होता है? हिज डॉटर एलिजाबेथ डाइड जस्ट आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ हर सेपरेशन. कि उसकी जो डॉटर एलिजाबेथ थी वो उनके सेपरेशन के 3 मंथ्स बाद ही खत्म हो गई थी, डेथ हो गई थी. लिविंग एलिजाबेथ इज डॉटर फ्रॉम न्यूसन. और जो लिविंग एलिजाबेथ है वो न्यूसन की डॉटर है. तो लेटर में जब ये बात वो
पढ़ता है तब उसे ये पता चलता है। नेक्स्ट है, टू हुम डज एलिजाबेथ मीट एट हर मदर्स ग्रेव। अपनी मदर की ग्रेव के पास में एलिजाबेथ किससे मिलती है? अ जेंटल वुमेन रिचली ड्रेस्ड, एक जेंटल वुमेन जो रिचली ड्रेस्ड है उससे मिलती है। वो जेंटल वुमेन कौन है? वो लुसेटा है। नेक्स्ट, व्हेन हेंशार्ड आस्क एलिजाबेथ, जब हेंशार्ड एलिजाबेथ से पूछता है टू लीव हिम, कि वो उसे छोड़कर चली जाए, वेयर डज सी गो टू लिव, तो एलिजाबेथ कहाँ रहने के लिए चली जाती है? इन द हाउस ऑफ द जेंटल वुमेन एज अ हाउस कीपर, उस जेंटल वुमेन के यानी कि लुसेटा के घर चली जाती है। किस रूप में? एक हाउस कीपर के रूप में। नेक्स्ट, व्हाई डज हेंशार्ड रिट्रैक्ट हिज डिमांड दैट फारफ्रे नो लॉन्गर कोर्ट एलिजाबेथ जेन। हेंशार्ड इस बात का भी विरोध करता है, इस बात के भी अगेंस्ट है, जब फारफ्रे और एलिजाबेथ दोनों आपस में अट्रैक्टेड हैं, दोनों आपस में मिलते हैं, तो फारफ्रे हेंशार्ड को ये बात पसंद नहीं आती है। लेकिन जब उसे ये सच्चाई पता चल जाती है कि एलिजाबेथ उसकी बेटी नहीं है, न्यूसन की बेटी है, तो इस बात को, इस अपनी डिमांड को वो रिट्रैक्ट कर लेता है। तो वो ऐसा क्यों करता है? आफ्टर लर्निंग दैट ट्रूथ, आफ्टर लर्निंग द ट्रूथ, जब ये सच पता चल जाता है अबाउट हर पेरेंटेज, उसकी पेरेंटेज के बारे में, एलिजाबेथ की पेरेंटेज के बारे में, हेंशार्ड लॉसेस हिज अफेक्शन फॉर एलिजाबेथ जेन। तो हेंशार्ड अपना अफेक्शन लॉस कर देता है, खो देता है एलिजाबेथ जेन के प्रति, एंड होप्स दैट, और ये होप करता है कि फारफ्रे विल मैरी, उसे उससे शादी कर ले फारफ्रे, एंड टेक हर अवे, और उसे वहां से ले जाए। नेक्स्ट, व्हाट अल्टीरियर मोटिव प्रॉम्प्ट्स लुसेटा टू इनवाइट एलिजाबेथ जेन टू लिव विद हर, कौन सा अल्टीरियर मोटिव लुसेटा को प्रॉम्प्ट करता है कि वो एलिजाबेथ जेन को अपने पास रहने के लिए बुलाती है? शी होप्स, वो ऐसी होप करती है कि एलिजाबेथ विल इंश्योर फ्रीक्वेंट विजिट्स फ्रॉम हेंशार्ड, कि एलिजाबेथ अगर उसके यहाँ रहेगी तो हेंशार्ड भी वहां पर फ्रीक्वेंट विजिट करने आएगा, तो वो अपना एक तरीके से अपने बारे में सोचती है लुसेटा, क्योंकि अगर हेंशार्ड वहां एलिजाबेथ से मिलने आएगा तो लुसेटा भी उससे मिल सकती है। नेक्स्ट है, टूवर्ड्स हुम इज लुसेटा अट्रैक्टेड, लुसेटा अब किसके प्रति अट्रैक्ट होती है? अब वो फारफ्रे के प्रति अट्रैक्ट होती है, जब वो फारफ्रे को देखती है तो उसे चार्म्ड हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है उससे। नेक्स्ट, व्हाई डू लुसेटा एंड एलिजाबेथ ईगरली वेट फॉर सैटरडे, लुसेटा और एलिजाबेथ ईगरली सैटरडे का वेट क्यों करती हैं? बिकॉज इट इज अ फेयर डे इन द लोकेलिटी, क्योंकि ये उस लोकेलिटी में फेयर डे होता है सैटरडे का। नेक्स्ट, हाउ डज लुसेटा रिएक्ट when Henshard demands that she end her affair with Farfrae in order to marry him, जब Henshard Lucetta से ये कहता है कि वो Farfrae के साथ अपने अफेयर को एंड कर दे और Henshard के साथ मैरी कर ले, तो Lucetta इस बात पर कैसे रिएक्ट करती है? She tells him that she will love whomever she chooses, वो Henshard से कहती है कि वो उससे प्यार करेगी जिसे वो खुद चूज करेगी। नेक्स्ट, हु इज मिस्टर फॉल एंड वाइड हो, मिस्टर फॉल और वाइड हो कौन है? वेदर एक्सपर्ट हैं ये। नेक्स्ट, व्हाई इज मिस्टर फॉल नोन बाय इट्स बाय दिस नेम, मिस्टर फॉल को इस नाम से क्यों जाना जाता है? ही वियर्स अ मास्क टू कवर हिज फेस, क्योंकि वो अपने फेस को कवर करने के लिए मास्क पहनते हैं, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया, मिस्टर फॉल या फिर वाइड हो। नेक्स्ट, What does Mr. Fall tell Henshard? Mr. Fall Henshard को क्या बताते हैं? That the coming August would be a month of rains and storms. कि आने वाला जो अगस्त है वो रेन्स और स्टॉर्म का मंथ होगा। Next, what for does Henshard warn Lucetta? Henshard Lucetta को किस बात के लिए warn करता है? That if she dares to marry Farfrae, अगर वो Farfrae से शादी करने की कोशिश करेगी, he would make publicity of her past life, तो वो उसकी past life की publicity कर देगा with her love letters written to him, जो उसने love letters Henshard को लिखे थे, उन letters के through वो उसकी past life की publicity कर देगा, अगर वो Farfrae से शादी करने की कोशिश करेगी तो। Next, once the mayor for that year डॉक्टर वेकफील्ड वॉज आउट, जब डॉक्टर वेकफील्ड उस साल जो मेयर थे, डॉक्टर वेकफील्ड वो जब बाहर गए थे
तो इन हिज एबसेंस, उनकी एबसेंस में हु सिट्स एज द मैजिस्ट्रेट ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के मैजिस्ट्रेट के रूप में कौन बैठता है, हेंशार्ड बैठता है। नेक्स्ट द ओनली केस ऑन दैट डेट वॉज ऑफ, और उस डेट एक ही केस था वो किसका था, द ओल्ड फर्मिटी वुमेन, वही जो स्टार्टिंग में जिस वुमेन के बारे में बात की थी, ओल्ड वुमेन थी मिसेस गुड एनफ, तो उन्हीं मिसेस गुड एनफ के बारे में ये जो केस था वो मिसेस गुड एनफ का केस था। नेक्स्ट द ओल्ड वुमेन इज चार्ज्ड फॉर, उस ओल्ड वुमेन पर किसका चार्ज लगा हुआ था, डिसऑर्डरली कंडक्ट एंड स्वेयरिंग इन द चर्च इन अगली ड्रंकन स्टेट, क्योंकि उसने अगली ड्रंकन स्टेट में यानी कि काफी ड्रंक की हुई थी और चर्च में जाकर उसने जो कंडक्ट था उसका बिहेवियर था वो अच्छा नहीं था, वो वहाँ एब्यूजिंग भी कर रही थी, इसका चार्ज उस पर लगा दिया था। नेक्स्ट व्हाट द ओल्ड वुमेन डिस्क्लोज, और वो ओल्ड वुमेन क्या डिस्क्लोज करती है वहां कोर्ट में, दैट हाउ द मैजिस्ट्रेट हैड इन ड्रंकन स्टेट सोल्ड हिज ओन वाइफ फॉर 5 शिलिंग्स, कि जो मैजिस्ट्रेट यहाँ बैठा हुआ है उसने किस तरीके से अपनी ड्रंकन स्टेट में अपनी वाइफ को बेच दिया था 5 शिलिंग्स के लिए। नेक्स्ट हु सेव्स लुसेटा फ्रॉम द बुल, लुसेटा को बुल से कौन बचाता है, हेंशार्ड बचाता है और वो इंजर्ड हो जाता है। नेक्स्ट लुसेटा मैरिज टू, लुसेटा किससे शादी कर लेती है, लुसेटा फारफ्रे से शादी कर लेती है। नेक्स्ट हाउ डज हेंशार्ड पे अप हिज क्रेडिटर्स, हेंशार्ड अपने क्रेडिटर्स को किस तरह से पे करता है, बाय सेलिंग हिज पर्सनल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग द बिग हाउस, वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच देता है, अपना बड़ा घर बेच देता है, उस तरीके से अपने क्रेडिटर्स को वो पे करता है। नेक्स्ट क्योंकि अब क्या होता है जब फारफ्रे उसे छोड़ देता है मैनेजर के रूप में, छोड़कर चला जाता है उसका बिजनेस, तो उसके बाद वो फिर से जोशुआ जॉब को रख लेता है हेंशार्ड, तो यहाँ पर उसको क्या होता है बिजनेस में काफी घाटा होता चला जा रहा है और फारफ्रे जो अपना बिजनेस खोल लेता है वो अपना बिजनेस अच्छा चला पा रहा है और उसको काफी फायदा होता है, तो फारफ्रे अपना अच्छा सा फ्यूचर कर लेता है बिजनेस में और हेंशार्ड को घाटा होता चला जाता है, तो इस तरीके से वो अब एक बर्बाद हो गया है, वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी भी बेच देता है और ये उसकी प्रॉपर्टी कौन खरीदता है, ये प्रॉपर्टी भी उसकी फारफ्रे खरीद लेता है। नेक्स्ट विद हुम डज ही शेयर्स रेजिडेंस नाउ, और अब वो किसके साथ रहता है, अब वो जोशुआ जॉब के साथ रहता है। नेक्स्ट हु बिकम्स द मास्टर ऑफ हेंशार्ड्स प्रॉपर्टी, हेंशार्ड की प्रॉपर्टी का मास्टर कौन बन जाता है, फारफ्रे। नेक्स्ट व्हेन हेंशार्ड फॉल्स इल, जब हेंशार्ड बीमार होता है हु लुक्स आफ्टर हिम, तो उसकी देखभाल कौन करता है, एलिजाबेथ करती है, यानी कि जब वो बीमार हो जाता है तब एलिजाबेथ उसकी देखभाल करती है, जबकि वो मना करता है एलिजाबेथ से, क्योंकि डिस्पाइट हिज रिफ्यूजल अपने वो जब वो मना कर देता है एलिजाबेथ से, लेकिन फिर भी एलिजाबेथ उसकी देखभाल करती है। नेक्स्ट टू हुम डज हेंशार्ड एंट्रस्ट लुसेटाज लेटर्स, हेंशार्ड किसके थ्रू लुसेटा के लेटर्स को भेजता है, वो जोशुआ जॉब के थ्रू लुसेटा के लेटर्स को भेजता है। नेक्स्ट व्हाट डज हेंशार्ड परसुएड द टाउन्स म्यूजिशियंस टू प्ले एट द थ्री मैरिनर्स इन, हेंशार्ड थ्री मैरिनर्स इन में जो टाउन म्यूजिशियंस हैं उनसे क्या प्ले करने के लिए कहता है, उनसे कहता है अ साम टू विच ही सेट्स वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस हिज कंटेम्प्ट फॉर फारफ्रे, तो एक साम परफॉर्म करने के लिए कहता है, प्ले करने के लिए कहता है, जिसमें जो शब्द होते हैं वो किसके लिए होते हैं, फारफ्रे के लिए कंटेम्प्ट होते हैं, यानी कि फारफ्रे के लिए कंटेम्प्ट से भरे हुए होते हैं उसके जो वर्ड्स होते हैं वो। नेक्स्ट व्हाट इज फारफ्रेस इनिशियल रिएक्शन व्हेन आस्क्ड टू बी मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, जब फारफ्रे से पूछा जाता है कास्टरब्रिज का मेयर बनने के लिए तो फारफ्रे का इनिशियल रिएक्शन क्या होता है उस समय, ही वरीज दैट ही इज टू यंग फॉर द पोजिशन, वो वरी होता है, चिंतित हो जाता है क्योंकि वो अभी इस पोजिशन के लिए काफी यंग है। नेक्स्ट व्हाट इज द नेम ऑफ द सेरेमनी द टाउन्स पीपल परफॉर्म टू शेम लुसेटा, लुसेटा को शेम करने के लिए, शर्मिंदा करने के लिए टाउन्स पीपल कौन सी सेरेमनी परफॉर्म करते हैं, वो एक स्क्रिमिटी राइट को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हाउ डज लुसेटा रिएक्ट टू द टाउन्स पीपल्स अटेम्प्ट टू शेम हर, और जब टाउन्स पीपल उसे शेम करने के लिए, शर्मिंदा करने के लिए जो अटेम्प्ट करते हैं उसके लिए लुसेटा क्या रिएक्ट करती है, शी हैज एन एपिलेप्टिक फिट, उसे एक फिट आता है एंड डाइज, वो मर जाती है।
इसको दूसरे तरीके से आप देख सकते हैं, शी फॉल्स इल के वो बीमार हो जाती है, ये सब देखकर चक्कर आ जाता है, वो बेहोश हो जाती है, और हर कंडीशन वो सीरियस, और उसकी कंडीशन काफी सीरियस होती है, एज शी इज इन एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि इस समय वो प्रेगनेंसी के एडवांस स्टेज में है, इस वजह से वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती है, बीमार पड़ जाती है, बेहोश हो जाती है, और उसके बाद वो उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट, व्हाट इज हेंशार्ड्स ऑफिशियल रोल इन ग्रीटिंग द रॉयल पर्सनेज? रॉयल पर्सनेज को ग्रीट करने के लिए हेंशार्ड का क्या रोल होता है? तो ही हैज नो ऑफिशियल रोल, उसका कोई ऑफिशियल रोल नहीं होता है, एज फारफ्रे द न्यू मेयर, क्योंकि फारफ्रे जो कि अब नया मेयर हैज फॉरबिडन हिज पार्टिसिपेशन इन द सेरेमनी। फारफ्रे ने हेंशार्ड की पार्टिसिपेशन को फॉरबिड कर दिया है, सेरेमनी में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगी हेंशार्ड की। नेक्स्ट, व्हेन एलिजाबेथ इज एस्लीप इन हेंशार्ड्स हाउस, जब एलिजाबेथ हेंशार्ड के घर में सो रही होती है, हु कम्स टू टेक हर, तो उसे लेने कौन आता है? न्यूसन द सी कैप्टन, न्यूसन आता है जो कि सी कैप्टन है, वो उसे लेकर आता है, वो मरा नहीं है, वो जिंदा है, और अब वो उसे अपनी बेटी को एलिजाबेथ को लेने वहां आता है। व्हाट डज हेंशार्ड टेल न्यूसन अबाउट एलिजाबेथ? और हेंशार्ड न्यूसन को क्या बता देता है एलिजाबेथ के बारे में? दैट न्यूसन्स डॉटर है डाइड लॉन्ग एगो, कि न्यूसन की डॉटर बहुत समय पहले मर चुकी है। नेक्स्ट, व्हाट इवेंट कॉजेस एलिजाबेथ टू सीवर हर टाइज विद हेंशार्ड? कौन सा इवेंट जो एलिजाबेथ को हेंशार्ड से उनके टाइज को सीवर कर देता है, कौन सा ऐसा इवेंट है, किस वजह से एलिजाबेथ हेंशार्ड से नफरत करने लग जाती है? शी डिस्कवर्स दैट, जब उसे ये पता चलता है, हेंशार्ड स्टॉप्ड हर फ्रॉम मीटिंग हर बायोलॉजिकल फादर, कि हेंशार्ड ने एलिजाबेथ को उसके बायोलॉजिकल फादर से मिलने से रोका, बाय फॉल्सली रिपोर्टिंग हर डेथ, ये झूठ बोलकर कि उसकी डेथ हो चुकी है। और जब इस बात का एलिजाबेथ को पता चलता है, तो वो हेंशार्ड से नफरत करने लग जाती है। नेक्स्ट है, व्हाट डज हेंशार्ड बाय एज अ वेडिंग प्रेजेंट फॉर एलिजाबेथ? एलिजाबेथ की जो शादी हो रही होती है, अब वो फारफे से शादी हो रही है एलिजाबेथ की, तो हेंशार्ड उसकी वेडिंग गिफ्ट के लिए क्या खरीदता है? तो एक गोल्ड फिंच खरीदता है वो, अ ब्राइट सिंगिंग बर्ड इन अ केज, एक ब्राइट सिंगिंग बर्ड है, ओल्ड फिंच है, केज में वो खरीदता है एलिजाबेथ के लिए। तो यहाँ इस समय क्या होता है कि हेंशार्ड जो कि अब बहुत ज्यादा दुखी है कि एलिजाबेथ उसे नफरत करने लगती है, उसे बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहती है, तो हेंशार्ड वापस बीडन प्रायर्स चला जाता है जहां वो पहले रहता था, तो वहां रहने लगता है। और जब उसे ये पता चलता है कि एलिजाबेथ की शादी हो रही है, तो वो एलिजाबेथ से मिलने कास्टरब्रिज आता है, और वो पैदल आता है, यानी कि रास्ता काफी लंबा है, और उस पूरे रास्ते को वो पैदल ही कवर करता है, लगभग 3 दिन का टाइम लगता है शायद, तो उस रास्ते को वो पैदल ही कवर करता है और वहां पहुंचता है। और जब वो वहां पहुंचता है, और तो एलिजाबेथ जब उसको देखती है, तो उसे मिलने से मना कर देती है, उसे फटकार देती है, तो वो काफी सैड हो जाता है हेंशार्ड, और उस गिफ्ट को वहीं छोड़कर वो चला आता है। लेकिन गिफ्ट के बारे में भी एलिजाबेथ को कुछ भी पता नहीं है। और बाद में जब उनकी मैरिज हो जाती है, जब सारे गिफ्ट्स वो देखते हैं, तो जब वो उस केज को देखती है, और उस केज में जो सिंगिंग बर्ड है वो उसमें मरी पड़ी होती है, उस देखती है, उसके बाद वो इंक्वायरी करती है उसके बारे में, तो ये जब एलिजाबेथ को पता चलता है इस बारे में, तो वो काफी मूव्ड हो जाती है, और वो हेंशार्ड से मिलना चाहती है। नेक्स्ट है, हु केयर्स फॉर हेंशार्ड इन हिज डाइंग डेज? हेंशार्ड के जो डाइंग डेज हैं, उस समय उसकी केयर कौन करता है? एवल विट्टल। नेक्स्ट, टू व्हाट बिब्लिकल फिगर डज हेंशार्ड कंपेयर हिमसेल्फ इन हिज सफरिंग? और अपनी सफरिंग में हेंशार्ड अपने आप को किस बिब्लिकल फिगर से कंपेयर करता है? केन से। नेक्स्ट, हु बिकम्स द कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हेंशार्ड एंड फारफ्रे? हेंशार्ड और फाफरे के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की वजह कौन बनता है? एवल विट्टल। जब बताया था कि एवल विट्टल की वजह से ही दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि हेंशार्ड एवल विट्टल को पनिश करता है, और ये बात फाफरे को पसंद नहीं आती, तो इस वजह से दोनों में कहासुनी हो जाती है। नेक्स्ट,
हु ओपन्स द पैकेट ऑफ लुसेटास लव लेटर्स। लुसेटा के लव लेटर्स का पैकेट कौन खोलता है? जोशुआ जोब खोलता है। यानी कि जब हैंशार्ड जोशुआ जोब के थ्रू लेटर्स भेजता है लुसेटा को, लेकिन जोशुआ जोब क्या करता है, उन लेटर्स को पहले ही खोल लेता है। और जहाँ इनमें सब बैठे होते हैं, सभी ड्रिंक कर रहे होते हैं, जोशुआ जोब भी वहाँ जाता है, लेटर्स खोलता है, सब लोगों को बांट देता है, सब लोग उन लेटर्स को पढ़ते हैं और उसके बाद वो पैक करके और लुसेटा के पास पहुंचा देता है। लुसेटा ये समझती है कि किसी ने पढ़ा नहीं है, लेकिन सब लोग पढ़ चुके हैं और इसी वजह से लुसेटा को शेम करने के लिए जो स्किमिटी राइड है वो टाउन्स पीपल निकालते हैं। नेक्स्ट, हु गिव्स हेंशार्ड्स विल टू एलिजाबेथ। हेंशार्ड की जो विल है वो एलिजाबेथ को कौन देता है? एबल विटल। जब एलिजाबेथ हेंशार्ड से मिलने पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि हेंशार्ड की डेथ हो गई है। नेक्स्ट, व्हाट फॉर्म ऑफ राइटिंग वॉज हार्डी मोस्ट इंटरेस्टेड इन। हार्डी कौन सी फॉर्म लिखने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे? वो पोइट्री लिखने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। नेक्स्ट है, विच साइंटिफिक थ्योरी डिड हार्डी एक्सेप्ट आफ्टर अबंडनिंग क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी को अबंडन करने के बाद थ्योरी कौन सी साइंटिफिक थ्योरी को एक्सेप्ट कर लेते हैं? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। नेक्स्ट, विच फिलोसोफर डिड हार्डी स्टडी एंड रिफ्लेक्ट ऑन इन हिज फिक्शन। हार्डी किस फिलोसोफर की स्टडी करते हैं और उसे अपने फिक्शन में रिफ्लेक्ट करते हैं? वो है स्कोपेनहॉर। नेक्स्ट, व्हाट इज हेंशार्ड्स डाइंग विश। हेंशार्ड की डाइंग विश क्या थी? टू बी फॉरगॉटन, जिसे एलिजाबेथ पूरा करती है। यानी कि हेंशार्ड कहता है उसे कोई दफनाया ना जाए, कुछ ना किया जाए। और जब एलिजाबेथ वहां पहुंचती है वो ऑलरेडी डेड हो चुका होता, मर चुका होता है, और उस एलिजाबेथ चाहती है कि उसकी विश को पूरा किया जाए। तो ये था मेयर ऑफ कास्टरब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर। तो अगर आपको और आगे क्वेश्चन चाहिए या नोट्स चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।